अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ बेटा, आज हम डिसोल्यूशन का अगला क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 है, एक्स वाई एंड जेड आर थ्री पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट्स, दे शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, देयर बैलेंस शीट ऑन 30th September 2018 was as under. बैलेंस शीट में क्या लिखा है? क्रेडिटर्स लिखा है, जड़ लोन अकाउंट लिखा है और कैपिटल लिखा है एक्स वाई और जड़ का। इसके बाद एसेट साइड से स्टॉक लिखा है, डेटर्स लिखा है, गुडविल लिखा है, फर्नीचर लिखा है और कैश लिखा है। सारे एसेट्स हम ट्रांसफर करेंगे, जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे सारे एसेट्स हम ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड से, एक्सेप्ट कैश, कैश हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। और लाइबिलिटीज में हमें ट्रांसफर करनी है, खाली क्रेडिटर्स ट्रांसफर करने हैं, लाइबिलिटीज में क्रेडिटर क्रेडिट साइड से ट्रांसफर करने हैं। यहाँ पे एक्स इज लोन, जेड इज लोन भी है। बेटा मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, पार्टनर की जो भी लाइबिलिटी होगी, चाहे कैपिटल होगा पार्टनर का, चाहे लोन होगा पार्टनर का, चाहे रिजर्व्स होंगे, तो ये सारी चीजें आप लोगों को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद लिखा है, फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन द अबाउ डेट, गुडविल वॉज परचेस्ड बाय जेड फॉर ₹12,000। गुडविल किसने लिया? जेड ने लिया और उसने उसको दिए 12,000। मैंने आपको बोला एसेट्स की सेल हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड से करते हैं। अगर हम खुद सेल करेंगे, अगर हम कैश में सेल करेंगे तो बाय कैश अकाउंट लिखेंगे, अगर पार्टनर ने लिया है कोई एसेट तो उस पार्टनर का नाम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जेड ने लिया है तो बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, एक्स परचेजर स्टॉक फॉर 6,000, एक्स ने स्टॉक लिया है तो बाय एक्सेस कैपिटल अकाउंट आएगा, और रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स वाज 10% लेस, डेटर्स ने पैसे दिए मगर उनने 10% कम दिए, जितना उनका पैसा था उससे 10% कम दिए। फर्नीचर वॉज ऑक्शन फॉर 3,000, फर्नीचर को ऑक्शन किया गया 3,000 में, फर्नीचर को हमने सेल किया और उसको 3,000 आए। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 500, डिसोल्यूशन पे जो खर्चा आया वो 500 का आया। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हम डेबिट साइड से पे करते हैं, ये आप लोगों को पता है। पार्टनर्स विल पे कैश इफ नेसेसरी। बेटा अगर कैश की मतलब डिफिशियंसी हो गई, अगर लास्ट पे कैश मतलब कम पड़ा लास्ट पे कैश, तो अगर पार्टनर्स को कैश लाना पड़ा वो कैश लाएंगे ताकि इस डेफिशिएंसी को पूरा कर सके। क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल, क्रेडिटर्स को पूरा हमने दिया जितना उनका अमाउंट बनता था। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और साथ में फिर कैश अकाउंट भी बनाना होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है ये, हाँ क्वेश्चन नंबर 13 हम स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 13 और इसका हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। यह है डेबिट साइड और यह है क्रेडिट साइड। टू सन्ड्री एसेट्स कौन कौन सा एसेट है बेटा? सबसे पहले स्टॉक है बेटा 5,000। इसके बाद डेटर्स है, डेटर्स है 10,000। इसके बाद गुडविल है 15,000 और इसके बाद फर्नीचर है 4,000। अब लाइबिलिटीज में सन्ड्री क्रेडिटर्स बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, बेटा सन्ड्री क्रेडिटर्स है 5,000। अब एसेट्स को हम लोग सेल करेंगे, सारे एसेट्स सारे लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो गए, अब एसेट्स को सेल करेंगे बाय कैश अकाउंट, बेटा सबसे पहले
डेटर्स ने दिया जितना उनका अमाउंट बनता था उससे 10% कम दिया। डेटर्स का अगर अमाउंट देखा जाए तो 10,000 है, 10% माइनस करो तो 9,000 देंगे, वो 9,000 देंगे। और इसके बाद लिखा है फर्नीचर को हमने ऑक्शन किया और 3,000 आए उसमें, तो फर्नीचर इसको आए 3,000, तो टोटल में जो कैश आया दैट इज 12,000। इसके बाद पार्टनर्स ने लिए एसेट्स, सबसे पहले गुडविल लिया जेड ने, तो बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे गुडविल लिया इसने 12,000 में। इसके बाद बेटा एक्स ने लिया फर्नीचर, तो बाय एक्सिस कैपिटल अकाउंट फर्नीचर लिया इसने 6,000 में। हो गए सारे एसेट सेल। अब लाइबिलिटीज करने हैं पे यहां से टू कैश अकाउंट, पेमेंट हम करेंगे। सबसे पहले लिखा है क्रेडिटर्स को हमने फुल अमाउंट दिया, क्रेडिटर्स उनको हमने दिए 5,000 बराबर। और रियलाइजेशन पे खर्चा आया है 500 का, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500, तो टोटल में हमने कैश दिया है 5,500। अब इसको बेटा टोटल करेंगे, देखेंगे कौन सा साइड बड़ा है, 15, 30, 34, 39,500, 24, 29, 35। तो क्रेडिट साइड बेटा बड़ा है, नहीं डेबिट साइड बड़ा है बेटा। तो जब डेबिट साइड बड़ा होता है तो लॉस होता है, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट 39,500, यहां से भी 39,500। तो इसमें से 35,000 माइनस करेंगे तो 4,500 इंटू रेशो जो है वो है 3/6, 4,500 इंटू 2/6, 4,500 इंटू 1/6, 2,250, 1,550 and 750। ये था इनका प्रॉफिट और लॉस जो इनको आया रियलाइजेशन अकाउंट में। ये हमने कंप्लीट किया रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये है बेटा डेबिट साइड और ये है यहां से क्रेडिट साइड। ये है एक्स वाई जेड और पर्टिकुलर्स, एक्स वाई जेड एंड पर्टिकुलर्स। बेटा सबसे पहले जो कैपिटल दिया है उसको हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक्स का कैपिटल है 16,000, वाई का कैपिटल है 500 और जेड का कैपिटल है 10,500।
अब पार्टनर्स ने बिजनेस में से एसेट्स लिए हैं। जब पार्टनर बिजनेस में से कुछ उठाता है और घर ले जाता है, उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं, ये आप लोगों को पता है। और ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड से आते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे एसेट्स इन्होंने लिए। तो एक्स ने लिया बेटा स्टॉक 6000 का और जेड ने लिया गुडविल 12000 का। इसके बाद बेटा लॉस आया रियलाइजेशन पे, तो वो लॉस भी डेबिट साइड से ही आएगा। तो लॉस ऑन रियलाइजेशन इसको 2250, इसको 1500 और इसको 750। इसके बाद क्वेश्चन में कोई रिजर्व वगैरह नहीं है, सो हम यहां पे कंप्लीट क्वेश्चन को टोटल करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को यही पे टोटल करेंगे। एक्स का अगर देखा जाए बेटा, एक्स का यहां से 16000 है और यहां से भी हम लोग लिखेंगे 16000। Y का यहां से 1500 है और यहां से भी आना चाहिए 1500। पहले हम Y का ही देखेंगे 1500। बेटा Y को यहां से कैश है टोटल, Y को यहां से टोटल है 500 ही ऑनली, तो इसको कैश लाना है बाय कैश अकाउंट, इसको लाना है 1000। अब Z का देखेंगे बेटा, Z का यहां से है 12750, यहां से भी लिखेंगे 12750, मगर इसका कैश कितना है 10500, तो इसको भी कैश लाना है। इसको इसका कैपिटल जो बिजनेस में है दैट इज 10500, तो इसको भी और कैश लाना है कितना 2250। और ये जो एक्स है, एक्स का यहां से 16000 है, यहां से 8250, तो इसको कैश देना है टू कैश अकाउंट। कितना कैश देना है 7750। ये कंप्लीट हुआ बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम बनाएंगे कैश अकाउंट। ये है बेटा डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड। यहां से मैंने बोला है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, जो कैश होता है वो बैलेंस ब्रॉड डाउन लाना होता है। कितना कैश है आपके बैलेंस शीट में, कैश लिखा है बेटा 1000। इसके बाद हमने कैश कहां पे रिसीव किया, जब हमने एसेट्स को सेल किया तो कैश रिसीव किया तो रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स को हमने सेल किया तो वहां पे 12000 हमने रिसीव किए और हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ही लाइबिलिटीज को पे किया, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज हमने किया। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को याद रहे कि हमने क्या किया है, अदरवाइज ये लिखने की जरूरत नहीं है, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही यहां पे सेल लिखने की जरूरत नहीं है। आपने लिखा रियलाइजेशन अकाउंट 12000 तो हो गया, आपने लिखा बाय रियलाइजेशन अकाउंट जितना अमाउंट होगा वो लिखा तो हो गया। ये मैं सिंपली आप लोगों को लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट हमने लाइबिलिटीज पे किए 5500 और उसके बाद अब आता है लोन जो पार्टनर ने दिया है, जेड इज लोन 3000, वो अब हम पे करेंगे, जेड को वापस देंगे लोन। जब हम उसको लोन देंगे तो कैश निकला तो क्रेडिट साइड से आएगा बाय जेड इज लोन अकाउंट 3000। इसके बाद एक्स को हमने वापस दिया कैपिटल बाय एक्स इज कैपिटल अकाउंट, कितना दिया 7750। और Y और Z ने उधर से ही कैश लाया तो ये डेबिट साइड से आएगा टू Y's कैपिटल अकाउंट,
वाइनिल आया 1000 टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, बेटा जेड ने कितना किया है इसलिए आया 2250, 13, 14, 16, 250, 10, 15, 16, 250, दोनों साइड से बराबर आ रहा है 16,250 एंड 16,250। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 13 जो हमने कंप्लीट किया। अब हम अगले क्वेश्चन में जाएंगे, कुछ डिफरेंट जिस क्वेश्चन में होगा तो वो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है और क्वेश्चन नंबर 14 में लोन नहीं, बस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसमें, तो यही हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 जो है दैट इज शर्मा वर्मा एंड गुप्ता वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 रेस्पेक्टिवली, देयर बैलेंस शीट स्टूड एज फॉलोज, सन्ड्री क्रेडिटर्स लोन फ्रॉम बैंक शर्माज कैपिटल, वर्माज कैपिटल, गुप्ताज कैपिटल। खाली दो लाइबिलिटीज है जो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड से ट्रांसफर करने हैं, दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स और लोन फ्रॉम बैंक, ये दोनों लाइबिलिटीज आपको ट्रांसफर करने हैं। यहां से कैश ट्रांसफर नहीं करना है डेबिट साइड से, स्टॉक ट्रांसफर हो जाएगा, डेटर्स ट्रांसफर हो जाएगा, मशीनरी ट्रांसफर हो जाएगा, फर्नीचर ट्रांसफर हो जाएगा, उसके बाद लास्ट पे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा है एसेट साइड से, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड से लिखा होता है, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पार्टनरशिप जो भी हमने किया उधर समझाया है, तो इसका मतलब होता है लॉस, एक्यूमुलेटेड लॉस। बेटा ये फिक्टिशियस एसेट है, इसको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसको क्या करेंगे, जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उधर आपको पता है लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड से रिकॉर्ड करते हैं, तो ये हम पार्टनर्स को रिकॉर्ड करेंगे जब हम डिस्ट्रीब्यूट, ये हम पार्टनर्स को जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उधर ये राइट ऑफ करेंगे, डेबिट साइड से दिखाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसके बाद द फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन 30th June 2019, द फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज्ड 2000, वायरेज स्टॉक and debtors realized 33,000 in all, the expenses on dissolution were 600, bad debts recovered 3,000, pass necessary ledger accounts assuming that necessary cash has been brought in by the partners। हाँ बेटा, इनने क्या किया, फर्म को डिसॉल्व किया और फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट में क्या है, मशीनरी और फर्नीचर, ये दो है फिक्स्ड एसेट्स में, इनको आए टोटल में 2000। फिक्स्ड एसेट्स में मशीनरी और फर्नीचर जो है इनको टोटल में आए कितना, 2000 मशीनरी और फर्नीचर को। इसके बाद स्टॉक जो है, स्टॉक और डेटर्स, स्टॉक और डेटर्स को आते हैं 33,000, ये हमने सारे एसेट सेल किए तो उधर से कैश रिसीव किया है। एक्सपेंसेस लगे हैं डिसोल्यूशन पे 600, वो डेबिट साइड से रिकॉर्ड करना है, और बैड डेट्स रिकवर किए हमने, रिकवर किए हैं, ये हमारे लिए इनकम है तो ये क्रेडिट साइड से आएगा, बैड डेट्स रिकवर्ड ये 3000 है। अब इसने ये नहीं लिखा है कि मैंने क्रेडिटर्स को पेमेंट की, इसने ये नहीं लिखा है मैंने बैंक लोन वापस दिया, तो आपको देना है, चाहे क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, आपको देना है, क्रेडिटर्स को भी बराबर अमाउंट देना है और बैंक लोन भी बराबर देना है। तो हमें सबसे पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके बाद बनाएंगे कैश अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 14, रियलाइजेशन अकाउंट। To sundry assets,
सन्ड्री एसेट्स में बेटा स्टॉक, स्टॉक का वैल्यू है 25,000। इसके बाद डेटर्स, डेटर्स का वैल्यू है 12,000। इसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर का वैल्यू है बेटा 5,000। और मशीनरी, मशीनरी है 8,000। अब लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। सबसे पहले क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है बेटा 21,500। और बैंक लोन, वो है 21,500, वो भी है। हो गए एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर। अब एसेट्स को सेल करेंगे बाय कैश अकाउंट, तो देखेंगे कौन सा एसेट है, क्या आया है एसेट्स में। सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स, इनको आया है बेटा 2,000। इसके बाद स्टॉक एंड डेटर्स में यहां पे लिखूंगा, स्टॉक एंड डेटर्स इनको आया है 33,000। इसके बाद बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड वो है बेटा 3,000। तो टोटल में 38,000 हमने कैश रिसीव किया है। अब लाइबिलिटीज को यहां से पे करेंगे टू कैश अकाउंट। सबसे पहले क्रेडिटर्स को देंगे 21,500, बैंक लोन ये भी देंगे हम 21,500, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 600, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 600, 43,600। अब हम इसको टोटल करेंगे 23,81। डेबिट साइड बड़ा है। बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू शर्मास कैपिटल अकाउंट, वर्मास कैपिटल अकाउंट, गुप्ताज कैपिटल अकाउंट। ट्वेल्व थाउजेंड बेटा लॉस है। और इनका जो रेशियो है दैट इज 3:2:1, 3/6, 2/6, 1/6, तो 6,000, 4,000 एंड 2,000, इसका टोटल 93,000 एंड 93,000। हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम बनाएंगे बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर कैश अकाउंट बनाएंगे।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड पर्टिक्यूलर्स शर्मा वर्मा गुप्ता बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन शर्मा का कैपिटल है 6,000, वर्मा का है बेटा 5,000 और गुप्ता का है 3,000। सबसे पहले जो बैलेंस शीट में लॉस दिया है इसको हम राइट ऑफ करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 6,000, शर्मा को 3,000, वर्मा को 2,000 और इसको गुप्ता को 1,000। इसके बाद इनको आया लॉस ऑन रियलाइजेशन, टू लॉस ऑन रियलाइजेशन इसको 6,000, इसको 4,000, इसको 2,000। अब टोटल करेंगे, इसका टोटल यहां से 9,000 बनता है तो यहां से भी 9,000 लिखेंगे। इसका टोटल यहां से 6,000 बनता है तो यहां से भी बेटा 6,000 लिखेंगे। इसका टोटल यहां से 3,000 बनता है और यहां से भी 3,000 ही बनता है। इसका दोनों साइड से बराबर है, दैट मींस जितना इसका कैपिटल है उतना ही इसका लॉस भी हुआ है, तो इसको कैश लाने की जरूरत नहीं है। मगर इसका कैपिटल जो है वो 5,000 है मगर यहां से लॉस हुआ है 6,000, तो इसको 1,000 कैश लाना पड़ेगा टू बाय कैश अकाउंट 1,000। इसका कैपिटल है 6,000 मगर लॉस हुआ है 9,000, तो इसको 3,000 कैश लाना पड़ेगा। अब बनाएंगे बेटा कैश अकाउंट। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कैश अकाउंट में कितना है कैश, कैश है बेटा 1,000। उसके बाद हमने रियलाइजेशन में कैश रिसीव किया टू रियलाइजेशन अकाउंट, हमें आए 38,000 उधर। अब पार्टनर्स ने कैश लाया टू शर्माज कैपिटल अकाउंट, शर्मा ने बेटा लाया 3,000 टू वर्माज कैपिटल अकाउंट, वर्मा ने लाया 1,000। यहां से हमने रियलाइजेशन में कैश दिया बाय रियलाइजेशन अकाउंट, हमने क्रेडिटर्स को दिया, बैंक लोन दिया और रेजोल्यूशन एक्सपेंसेस दिए, तो वो हमने दिए 43,600। बेटा जो रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल था, रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल हमने गलत किया है। रियलाइजेशन का टोटल आप लोग खुद ही लिखोगे, मैंने 93,000 लिखा, उधर 93,600 है, 93,600 है उधर लॉस,
टोटल 93,600 आप लोग चेक करोगे, 93,600 उधर टोटल आ रहा है। 93,600 में से 81,000 जब माइनस करेंगे तो लॉस निकलेगा 12,600। हमने 12,000 ही डिस्ट्रीब्यूट किया मगर लॉस निकलेगा 12,600 को जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इसका जो लॉस बनेगा वो बनेगा 6,300। इसका लॉस बनेगा 6,300, इसका लॉस बनेगा 4,200 और इसका लॉस बनेगा 2,100। तो यहां पे 3,100 आएगा, यहां पे 6,200 आएगा, यहां पे 9,300 आएगा, यहां पे भी 9,300, 6,200 और 3,100। तो इसको लाना है 100, इसको लाने हैं 1200 और इसको लाना है बेटा 3,300। तो यहां से 3,300 इसका 1200 और वो जो गुप्ता है उसको भी लाना है 100, गुप्ताज कैपिटल अकाउंट कितना बेटा 100। ये दोनों साइड से कैश बराबर आ गया 43,600। ये था बेटा ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 जो हमने किया। तो आगे इंशाल्लाह देखेंगे, और कोई क्वेश्चन होगा तो वो अगले लेक्चर में करें।